हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वा सिंपल, मैं आपके साथ शमशाद हुसैन। उज्ज्वला योजना के तहत सरकार फ्री में आपको गैस कनेक्शन दे रही है। गैस कनेक्शन के साथ साथ आपको क्या क्या मिल रहा है हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, लेकिन फिर आप सुन लीजिए। गैस सिलेंडर, ठीक है, चूल्हा और आपका रेगुलेटर, आपका पाइप और एक लाइटर बिल्कुल मुफ्त में आपको दिया जा रहा है, जिसके लिए एक रुपये भी आपको चार्ज नहीं देने हैं। अब भारत गैस और इंडियन गैस और एचपी गैस, तीनों गैस जो है यहाँ पर फ्री में दे रही है उज्ज्वला योजना के तहत, ठीक है। तो अगर आपके नज़दीक भारत गैस है तो उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपके नज़दीक इंडियन गैस है तो हमने उस पर भी वीडियो बना दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने यह कमेंट किया है कि सर एचपी पर भी वीडियो बना दीजिए, तो दो वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है, इंडियन गैस पर और अपना भारत गैस पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे ऑनलाइन करना है एचपी गैस को लेकर, ठीक है। यदि आपके आसपास एचपी गैस का डिस्ट्रीब्यूटर है और आप चाहते हैं कि हम एचपी का कनेक्शन लें बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में, तो कैसे आप उसके लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकोगे, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, योजना का लाभ उनको मिल रहा है जो राशन कार्ड धारक हैं, ठीक है, महिला के नाम से होगा, क्योंकि उज्ज्वला योजना महिला के नाम से ही होता है। अब आपके पास पहले से कनेक्शन मौजूद है, चाहे उनका राशन कार्ड भी हो, जनरल कनेक्शन मौजूद है, तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लाभ किसको मिलेगा? उसी को मिलेगा जिसके पास पहले से कनेक्शन नहीं है, और महिला को ही यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम सीख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे ऑनलाइन करते हैं। एक और बात आपको बता दूं, यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हमारे पास राशन कार्ड नहीं है तो हमारे लिए भी कुछ व्यवस्था किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल, प्रवासी मजदूर के लिए व्यवस्था किया गया है, जिनके पास राशन कार्ड वगैरह भी नहीं होता उनके लिए व्यवस्था किया गया है। साथ ही साथ जो बिहार के निवासी हैं और किसी दूसरे राज्य में रह रहे हैं, वो भी अपना वही राज्य में कनेक्शन ले सकते हैं, ठीक है, जो जिसके लिए माइग्रेशन जो एक फॉर्म है फिल करना होता है। हालांकि इंडियन में और भारत में जो डिटेल्स है वो बहुत कम आपसे मांग रहा है, बाकी काम डिस्ट्रीब्यूटर करेंगे, लेकिन एचपी वाला जो कंपनी है ये आपसे ही पूरा का पूरा फॉर्म भरवा ले रहा है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी और दिक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। बिल्कुल फ्री और एकदम बिंदास मूड में आप इस वीडियो को देखने के बाद फॉर्म आसानी से भर पाएंगे, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप हमसे बातें कर सकते हैं, अपने मनचाहे टॉपिक पर वीडियोज़ बनवा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे कुछ पर्सनल स्पीक्स वहाँ पर अपलोड होते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने पीसी स्क्रीन पर और जानते हैं एचपी का गैस कनेक्शन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। सबसे पहले अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लें, पीसी से कर रहे हैं फिर कोई बात नहीं, गूगल सर्च बार ओपन करेंगे और टाइप करेंगे यहाँ पर उज्ज्वला योजना, ठीक है, इस तरीके से टाइप कर देंगे। हालांकि हमने आपकी आसानी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप देख सकते हैं न्यू उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन ये चल रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्लिक हर टू अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। इंडियन का हमने पहले ही बना दिया है, भारत गैस का भी हमने पहले बना दिया है, आज हम आपको एचपी का बताने जा रहे हैं, तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और नया पेज ओपन हो जाएगा जो कि कुछ ऐसा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेगुलर कनेक्शन रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन, तो आप रेगुलर भी कनेक्शन ले सकते हैं, उज्ज्वला वाला भी ले सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि रेगुलर वाला जो लेना चाहेंगे वो इतना मेहनत करेंगे, चूंकि वो भैया जब रेगुलर ले रहे हैं पैसा दे रहे हैं टाइट, तो क्यों अपने से इतना मेहनत करें, जाकर के डायरेक्ट वहीं पर जो डिस्ट्रीब्यूटर वहीं से नहीं ले लेंगे। यहाँ पर आपको उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन इस पे क्लिक करना है, क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल फ्री है। अब यहाँ पर आपको टर्म्स को जो है एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने पेज नया ओपन हो जाएगा। अब देखिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर का नाम यहाँ पर नाम वाइज आप खोज सकते हैं या फिर लोकेशन वाइज खोज सकते हैं। कई लोगों को अपने डिस्ट्रीब्यूटर का नाम भी याद नहीं होता, तो आपकी आसानी होगी, आप लोकेशन वाइज सर्च कर लीजिए। ये बता दें आपको कि ये पूरे इंडिया के लिए है, तो आप कोई सा भी स्टेट से हैं, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, देहरादून, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश, नागालैंड, कहीं से भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर बिहार सेलेक्ट करूँगा, बिहार के बाद उसके बाद अपना ज़िला यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो ज़िला यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो सा भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर है वो डिस्ट्रीब्यूटर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें, ठीक है।
और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है, इस डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस आपके सामने आ जाएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आपको फिर इसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना होगा अगर आपको कॉल नहीं आता है तो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अब फिल करना है। देखिए, दो तरीके से आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। एक तो है आई गिव माई कंसेंट टू HPCL, ठीक है, आधार नंबर। यहाँ पर आप इस दोनों को समझिए मैटर क्या है। यदि आप इसमें टिक करते हैं, ठीक है, इसमें टिक करते हैं तो आपको यहाँ पर आधार नंबर वगैरह सब देना होगा, ठीक है। और यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर ऊपर वाले पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो आधार है वो मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना चाहिए, ठीक है, तभी आप ऊपर वाले पे टिक करें। अगर आपका आधार मोबाइल नंबर के साथ लिंक नहीं है, वैसी स्थिति में आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड नहीं करना होगा। यदि आप यहाँ पर टिक कर देते हैं और आधार के साथ जो आपका मोबाइल नंबर अटैच है, उस मोबाइल में आपका OTP जाएगा, उस OTP को आप यहाँ पर डालेंगे तो आपसे कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर अपलोड करने के लिए नहीं कहेगा, चूंकि आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो चुका है। लेकिन अगर आप नीचे क्लिक करते हैं, यानी आपके आधार में जो मोबाइल नंबर है वो लिंक नहीं है, या फिर आपका जो आधार है वो मोबाइल नंबर के साथ लिंक था लेकिन मोबाइल कहीं गुम हो गया है, कहीं खो गया है, तो वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए हम यहां से बैक कर लेते हैं और बैक करने के बाद हम आपको बताते हैं कि आपको यहां पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहां पे आप क्लिक करेंगे तो अब आप सिर्फ यहां पर आधार नंबर डालेंगे, 12 अंक का आधार नंबर होता है तो आधार नंबर यहां पर डाल देंगे 4 4 8 4 12, ठीक है, पूरा आधार नंबर आप यहां पर डाल देंगे। उसके बाद यहां पर ये जो उज्ज्वला कनेक्शन है ये महिला के नाम से है तो आप MR को हटा करके यहां MS मिसेस कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो यहां पर आपको कैसे फिल करना है, जैसे ललिता कुमारी सिंह है तो यहां पर ललिता, यहां पर मिडिल नेम में कुमारी और यहां पर सिंह, और यदि आपका माता का नाम यहाँ पर सुनीता देवी है तो फर्स्ट नेम में सुनीता और लास्ट नेम में देवी हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जो सा भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ पर आपको बता देगा। इस तरीके से आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, मैंने आपको डेमो के तौर पर बता दिया। उसके बाद यहाँ पर कास्ट, आप अदर्स, OBC, बैकवर्ड या SC या फिर ST हैं तो जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, तो अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए राशन कार्ड का डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है, ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, यदि फिल करते हैं तो और भी अच्छी बात है। राशन इशू डेट यदि आपको पता है तो फिल कर दीजिए और राशन कार्ड नंबर सिंपली आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको एड्रेस देना है, यानी कनेक्शन एड्रेस, कौन सी जगह पर आप अपना कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर, ये शहर वालों के लिए होता है। आपका पास नहीं है तो आप यहाँ पर वार्ड नंबर भी टाइप कर सकते हैं, सिंपली विलेज का नाम भी डाल सकते हैं। स्ट्रीट नेम यानी जो आपके अगल बगल जो बड़े क्षेत्र है उसका नाम डाल दीजिए, सिटी टाउन यहाँ पर डाल दीजिए, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप चूज कर लीजिए, उसके बाद स्टेट, पिन कोड, यहाँ पर ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है लेकिन फिल कर दीजिए, आपका मेल पर भी कुछ जो जानकारी है वो सेंड किया जाएगा। मोबाइल नंबर मैंडेटरी है भैया, मोबाइल नंबर आपको डालना है तभी आपको डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से कॉल आएगा। ऑफिस फोन, रेजिडेंस फोन ये आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर वापस से आधार नंबर पूरा फिल करेंगे और यहाँ पर अपना खाता का डिटेल्स देना है तो IFC कोड आपके खाते में होता है वो आप यहां से फिल कर लेंगे। उसके बाद उसी IFC कोड को यहां पर कंफर्म करेंगे, यहां पर आपको बैंक अकाउंट नंबर टाइप करना है, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर को यहां पर कंफर्म करना है, दोबारा से टाइप करना है। उसके बाद यहां पर जो आपके बैंक खाता में नाम है सही वही नाम बिल्कुल आपको यहाँ पर फिल करना है, तभी भैया आपका यहाँ पर जो सब्सिडी आता है 73-74 रुपया वो आपको यहाँ पर आ सकेगा। टाइप ऑफ कनेक्शन है, देखिए 14.2 kg का जो बड़ा वाला सिलेंडर होता है और यहाँ पर 5 kg SBC है, ठीक है, और 5 kg का यहाँ पर डबल बोतल है, यानी 5 kg का डबल लेना चाहते हैं 14.2 kg में बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है तो 5-5 kg यह ले लीजिए, और नहीं तो फिर 14.2 kg का लीजिए, आपको 900 कुछ रुपया अभी लग रहा है, ठीक है, और इसमें अभी शुरू में सब्सिडी वगैरह आपका नहीं आएगा, जब पैसा वापस वोस हो जाएगा तब आएगा। अब समझिए यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आप पासपोर्ट, आधार, बैंक, वाटर बिल, हाउस, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड कुछ भी दे सकते हैं, सब लोगों के पास आधार होता है, आधार आप दे दीजिए, कोई दिक्कत बात नहीं है।
एड्रेस प्रूफ आईडी, आधार आपने दिया तो आधार का जो नंबर है वो यहाँ पर फिल करेंगे, अगर वोटर आईडी आपने दिया तो वोटर आईडी का जो नंबर है वो यहाँ पर फिल करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस दिया तो ड्राइविंग लाइसेंस का जो नंबर है वो यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। अब आधार यू आईडी यहाँ से सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपना जो आधार कार्ड आपने स्कैन करके रखा है दोनों तरफ का वो 300 KB के अंदर में होना चाहिए, ठीक है, जो कि जेपीजी, जेपीईजी, गिफ, पीएनजी, पीडीएफ, जिप फाइल में होना चाहिए, वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके चूज करके यहाँ पर अटैच कर देंगे। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में जो आधार कार्ड आपने दिया तो आधार कार्ड और फोटो आपका 50 KB के अंदर होना चाहिए, वो यहाँ से सेलेक्ट करके आप चूज कर देंगे। उसके बाद राशन कार्ड अगर आपके पास है तो आप यहाँ से राशन कार्ड डाल देंगे। और यहाँ पर देखिए बताया गया है डाउनलोड फॉर्म फॉर फैमिली कंपोजिशन एनेक्चर फॉर माइग्रेट, जैसे आप किसी अदर स्टेट में, यानी आप बिहार के निवासी हैं और आप दिल्ली में हैं, पंजाब में, हरियाणा में हैं, गुजरात में हैं, झारखंड में हैं, तो आप वैसे स्थिति में माइग्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो यहां से डाउनलोड करेंगे और उसको भरकर यहां पर अटैच कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में आप बिहार के निवासी हैं और कहीं और भी अपना अगर रह रहे हो तो वहां भी आप कनेक्शन उज्ज्वला का ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ फिल कर देने के बाद अपना यहाँ जो फैमिली का मेम्बर है उसको आपको फिल करना है, तो यहाँ पर आप फैमिली में कितने लोग हैं, 3 जन है, 4 जन है, जितने भी जन है आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। जैसे 4 जन यहाँ पर हमने फिल कर दिया, तो सबसे पहले तो यहां पर देखिए जो यानी आवेदन करता है उसको छोड़ करके, ठीक है, 4 जन यहां पर, अब देखिए अब यहां पर जो आवेदन करता है उसके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, तो यहां पर मदर, तो आप मदर सिंपली यहां पर इस तरीके से लिख दीजिए उनका, उसके बाद अपना नाम लिख दीजिए यहां पर, ठीक है, अपना आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप फिल करेंगे तो ये आपका एज ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है, सिलेक्ट रीजन इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद एड मेंबर पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए कुछ हम नाम टाइप कर देते हैं तभी ये जाकर के आगे लेगा हमारा, ठीक है, इस तरीके से, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हम फिल करते हैं 5, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर एड मेंबर हम पर क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा समय लग सकता है, पेशेंस रखना है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ये आपका दूसरा ओपन हो गया। अब यहाँ पर फिर जो और भी बेटे हैं उनके, उनका आप यहाँ पर जैसे सन हो गया, सिस्टर हो गया, सन इन लॉ सन हो गया, तो यहाँ पर सन बेटे का नाम हो जाएगा, उनका आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर एज ऑटोमेटिकली ले लेगा। इस तरीके से जो मेंबर हैं आवेदनकर्ता को छोड़कर वो यहाँ पर ऐड कर देंगे और यहाँ पर टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और फाइनल यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको एक यूनिक नंबर, रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, उस नंबर को आपको अपने पास रख लेना है। डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास कॉल करेंगे, आपके घर तक आएंगे और आपको उज्ज्वला का कनेक्शन देंगे, EKYC वगैरह, फिंगरप्रिंट वगैरह लेकर के। कई बार ऐसा होता है कि आपके यहाँ आते नहीं है, फोन नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो एड्रेस आपने शुरू में स्क्रीनशॉट लेकर रखा था उस एड्रेस पर आप पहुंचेंगे अपना दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, बोलेंगे भैया हमने उज्ज्वला कनेक्शन के लिए अपना आवेदन दिया है, हमको यहाँ पर चाहिए, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन प्रेस कर दिए। किसी भी तरह का सवाल या कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो को, फर्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए, गुड बाय, टेक केयर।